नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के ईशान किशन का आखिरकार टीम इंडिया में चयन हो गया। ईशान पर बचपन से ही क्रिकेट का जुनून इस कदर हावी था कि उन्हें इस कारण स्कूल से बाहर कर दिया गया था। शनिवार को उसी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय T20 टीम में शामिल होकर अपनी टीम झारखंड और अपने राज्य बिहार का गौरव बढ़ाया है। बीते शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी शतक ठोकने वाले ईशान की इस कामयाबी से उनके माता पिता और परिवार वाले फूले नहीं समा रहे। ईशान के माता पिता ने एक प्रतिष्ठित अखबार को बताया कि भगवान का आशीर्वाद और ईशान की मेहनत रंग लाई है। मां ने कहा कि मैं छठ पूजा करती हूं और मुझे भगवान में काफी विश्वास है। 2016 में छठ के तुरंत बाद वह अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बना था। आज वह भारत की सीनियर टीम में शामिल हो गया है। छठ मैया की कृपा उस पर इसी तरह बनी रहे। वहीं ईशान के पिता प्रणव पांडे ने कहा कि ईशान शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था। क्रिकेट के कारण वह अपने स्कूल DPS से हमेशा गायब रहता था। इसी कारण 9वीं क्लास में उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। जैसे तैसे कर दानापुर के एक स्कूल से उसने 10वीं की परीक्षा पास की। इस दौरान संतोष कुमार और उत्तम मजूमदार जैसे कोच ने उसे तराशा। बड़े भाई राज किशन की भी इसमें अहम भूमिका रही, जिसने ईशान को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने क्रिकेट कैरियर का त्याग कर दिया था। हालांकि उस वक्त बिहार में क्रिकेट को लेकर माहौल अनुकूल नहीं रहने के कारण ईशान किशन ने 2011 में झारखंड की तरफ रुख किया। 2014 में ईस्ट जोन में वह टॉप स्कोरर बना था। इसके बाद 2016 में बांग्लादेश में हुए अंडर 19 विश्व कप में उन्हें भारतीय टीम की कमान सौंप दी गई। फिर रणजी, देवधर, दिलीप और ईरानी ट्रॉफी में ईशान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले साल IPL में वो चैंपियन मुंबई इंडियंस की ओर से सर्वश्रेष्ठ स्कोरर भी रहे थे। ईशान किशन के पिता ने यह भी बताया कि बीते दिनों विजय हजारे ट्रॉफी में जब ईशान ने तूफानी शतक जड़ा तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब मंजिल दूर नहीं। शाम होते टीम इंडिया में शामिल होने की खबर ईशान से ही मिली, जिसका सालों से इंतजार था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक दिन भारत के टेस्ट और वनडे टीम का भी हिस्सा बनेगा। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चयनित होने के बाद ईशान किशन ने कहा कि मेरी कामयाबी में राजेंद्र नगर शाखा मैदान, मेरे परिवार, कोच और मेरी मेहनत की अहम भूमिका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और इसके बाद IPL में बढ़िया प्रदर्शन करना मेरा लक्ष्य है। इसके बाद T20 विश्व कप टीम में शामिल होने के लिए जमकर मेहनत करूंगा। आपको बता दें कि पिछले साल UAE में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग में बिहार के स्टार क्रिकेटर ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने IPL के 14 मैचों में 57.33 के औसत से 516 रन बनाए थे और सर्वाधिक 30 छक्के भी लगाए थे। बताते चले कि ईशान किशन बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड के लिए खेलते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ईशान के आदर्श खिलाड़ी हैं। अपनी मेहनत के दम पर ईशान ने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में बेहतरीन नाम कमा लिया है और अब उनका चयन भारतीय सीनियर टीम में भी हो गया है। आज ईशान किशन बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श बन चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।